वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको मेरे को गार्डन रूफ गार्डन में जो फूलों वाले बहुत से पौधे हैं उनमें से ये एक गिनका है। इसको हमारी जबान में सदा बहार कहते हैं। सदा मैंने हमेशा बहार, मैंने बहार भी रहना पत्तों वगैरह फूल, तो ये हमारी जबान में बना लिया है। असल नाम इसका गिनका है, तो और भी नाम होंगे इसके, लेकिन हमारी इधर दो ही मशहूर हैं, गिनका और सदा बहार। तो ये फूलों वाला पौधा है, ये बहुत ज़्यादा फूल देता रहता है तकरीबन सारा साल, 3 महीने नहीं देता। जब शदीद सर्दी होती है तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा फूल देता है। ये एक पौधा, कई पौधे हो गए थे इस बाल्टी में जो मैंने इरादा किए, और 3 पौधे मैंने रहने दिए। ये बाल्टी बड़ी थी इसलिए मैंने इसमें 3 पौधे रहने दिए। तो इसकी को इसको मेंटेनेंस को ख़ास नहीं है, अच्छी सी मिट्टी बना के इसको लगा दें तो ये फिर खूब फलता फूलता है, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। और ये खुद अगर एक जगह कहीं पौधा हो जाए तो ये इसके पौधे खुद ही खुद उगते रहते हैं। इसमें इस बाल्टी में काफ़ी बहुत सारे पौधे उगे थे, वो टमाटर था इसमें पहले। टमाटर को साथ ही जब वो मौसम आया बाहर का तो इसमें ये फिर उग गया। बहुत से मैंने अलहदा कर कर के ऊपर भी लगा दिए बाल्टियों में, गमलों में, तो ये 3 इधर रहने दिए, सब गमलों में उगे हुए थे, बाकी मैंने ज़ाया कर दिए गमलों में। तो ये मैंने रहने दिए अपने गार्डन के लिए। अब बरसात का मौसम है, आज भी बारिश हो के मौसम बहुत ही प्यारा सुहाना सुहाना मौसम है, तो आज ही बारिश हुई है। और इस पर भी जब बारिश होती है तो ये इस पर और ही खूबसूरती आ जाती है, हर पौधे पे आ जाती है, साफ सुथरे हो जाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं। और इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत, मैं इसको बस खाद की ज़्यादा इसको ज़रूरत होती है, खाद वगैरह कुछ नहीं डालते, जो मिट्टी में डाली हुई है वही डाली है। और कभी कभार इसको मैं कंपोस्ट का पानी दे देता हूँ, जो मैं कंपोस्ट बनाता हूँ उसका पानी 15-20 दिन के बाद वो दे देता हूँ कंपोस्टी, और कुछ नहीं देता। तो देखें ये कितना बड़ा, कितने बड़े पौधे, कितनी जगह घेरी हुई है, और इस फूल ही फूल होते हैं, रोज़ाना फूल ऐसे निकलते हैं, रोज़ाना ही इसके ख़त्म हो जाते हैं, और नीचे से इसके बीज बनता है। ये देखें बीज, अब ये बीज भी बहुत ज़्यादा बनता है इसका खुद ही, ये देख ये सारा इसका बीज बना हुआ फूलों से। ये फलियाँ, छोटी छोटी फलियाँ इंच इंच होगी इसकी लंबाई, तो इसमें 8-10-20 तक बीज होंगे, तो वो नीचे गिरते खुद खुद ही गिरते हैं और खुद खुद ही उग जाते हैं, कुछ उगाने नहीं पड़ते। बस अगर ज़रूरत हो तो अलहदा कर लेता हूँ मैं, नहीं तो मैं फिर वो बेशुमार उगते हैं सारे गमलों में, तो वो मैं फिर अलहदा ज़ाया कर देता हूँ, ताकि मिट्टी की जो है ना दूसरे पौधे की खुराक ना खा जाए। बहुत बढ़ता फूलता है, हर साल मैं नए लगाता हूँ, ये 2 साल भी चल जाता है, 3 साल भी चल जाता है। इसकी खास है, इसको बीमारी बस एक ही लगती है, मिली बग्स लगती है, तो उसके लिए मैंने इसको नीम ऑयल का 1-2 दफ़ा स्प्रे किया था, तो फिर वो ख़त्म होगी। अब दोबारा इसको नहीं, जितना पौधा ताकतवर होगा उतनी इस पर बीमारी वगैरह पेस्ट और बीमारी फंगस वगैरह हमला कम करती है, तो इसलिए ये पौधे बहुत ताकतवर है, खूबसूरत है। कितना कितना बड़ा पत्ता है जो नया निकलता है और फूल है, तो इसलिए इस पर बीमारी बहुत ही ज़्यादा कम है। हर मुल्क में ये होता है, हमारे इधर हर जगह होता है, सड़कों पे, पार्कों पे, घरों में और गमलों में, ज़मीन में, हर जगह जहाँ भी लगा दें ये चल जाता है। इसको बस थोड़ी सी इसकी केयर है और ज़्यादा नहीं है। तो ये दिखाना चाह रहा था कि ये वो बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, तो ये घर में लगाएं। जो साथ साथ मैंने देखा है, साथ साथ जो रबश होती हैं, रास्ते होते हैं, पूरे लगाए जब बेशुमार फूल खिलता है और खूबसूरत लगता है। तो इसकी कांट छांट भी कर देते हैं, लेकिन मैंने इसकी कांट छांट नहीं की, क्योंकि ये एक ही गमले में पड़ा है अलहदा से, इसलिए बढ़ रहा है। तो जहाँ ज़्यादा हूँ तो कांट छांट भी कर देते हैं पूनी वगैरह, लेकिन मैंने नहीं की है। इसको बेशुमार फूल लगता है और बहुत ही खूबसूरत फूल है, कई रंग में है, तकरीबन ये पिंक रंग है, सफ़ेद में भी होता है। तो ऐसे ही इसको लगा लें, ये इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इंशाल्लाह दूसरे पौधों को भी।
बाद में डाले। वीडियो बना लेते हैं फिर बाकी कल बना लेंगे, अंधेरे और वो मिला दूँगी। अच्छा वो जो ठीक हाँ जी खूबसूरत बहुत है वो।